आपने जो प्यार दिया वो किसी बार नहीं मिलेगा कभी। ये लास्ट तक मैसूर तक जा रहे हैं तो रात का डिनर भी ट्राई करेंगे, हो सकता है कल का ब्रेकफास्ट। फिर हम दोबारा बोले तब जाके इनको भी दही दिया गया। ये किसने बनाया? ये मैंने बनाया। किसने बनाया? भैया की पुणे में जो ट्राई किए थे काफी बढ़िया है। अच्छा है या नहीं है तो उस हिसाब से सब लोग अच्छा लगता। छोटी भाई 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 ठीक है भाई, चलिए सब बोले। अजी क्या हाल चाल है आप सभी? सो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 19667 उदयपुर मैसूर पैलेस क्वीन हम सफर एक्सप्रेस में, जो कि वीक में सिर्फ एक दिन मंडे को चलती है उदयपुर से मैसूर के बीच में। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूं तो ये जो ट्रेन है ना रात 9:20 पे उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकलती है और आपको तीसरे दिन शाम 4:30 पे मैसूर रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। सो तो इस ट्रेन से हम लोग लगभग 2255 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं लगभग 43 घंटे में सिर्फ 13 हॉल्ट के साथ। ये रही अपनी सीट 23 नंबर, बैग ऊपर है, लगेज हमने नीचे रख दिया है और सीट के ऊपर वाला जो बर्थ है उस पर अभी पिल्लो वगैरह रखा हुआ है, देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने एक फैमिली मेंबर मिले हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? ललित सिंह। आप प्रॉपर यही उदयपुर से? उदयपुर से। अभी क्या हुआ कि हम जब स्टेशन के अंदर एंट्री कर रहे थे ना उसी वक्त ये वॉकिंग कर रहे थे बाहर में, तो पहचाने बोले मोनू भाई है क्या? बोले हाँ। फिर अभी बातचीत वगैरह अभी चल रही है क्योंकि अभी क्या है कि अभी भी एक घंटा का समय बाकी है डिपार्चर में, तो भाई से मुलाकात करते हैं। वैसे मिलकर काफी इससे अच्छा लगा। वैसे कंटेंट कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है मेरे को भाई, आप मतलब जो भी चीज दिखाते हैं एकदम अच्छा दिखाते हैं, मतलब जो भी जैसा भी होता है चाहे टिकट रिलेटेड हो खाना रिलेटेड हो जो भी हो आप एकदम हकीकत दिखाते हैं। सफाई संबंधित भी आप दिखाते हैं, ट्रेन का भी आप दिखाते हैं, रिकमेंड करते हैं भाई ट्रेन अच्छा है या नहीं है, तो उस हिसाब से सर सब लोग अच्छा लगता है सर। थैंक यू भाई। ये रहा अपना रेलनीर, स्टेशन के बगल में ही घर है ना आपका? जी हाँ। तो वो बोले कि नहीं अगर आप आए हैं चलिए घर पे चलिए घर पे कुछ खा लीजिए, लेकिन क्या है कि हम डिनर करके आए थे फिर भी ये घर पे जाके फटाफट मम्मी के हाथों का ये गर्मा गर्म ये आटे का है क्या है सिरा आटे का सिरा मतलब हलवा, ये आटे का हलवा है गर्मा गर्म अभी जस्ट बन के आया। ये देख वाव, ये देख रहे हैं गर्म है बिल्कुल, देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। और साथ ही ब्रेकफास्ट के लिए इन्होंने फ्रूट्स ले आया है, इसमें सीताफल वगैरह है, गुआवा है, एप्पल है और डेयरी मिल्क है। थैंक यू सो मच भाई। चलिए अब ट्राई करते हैं ये गर्मा गर्म आटे का सीरा राजस्थान स्पेशल। और अपने फैमिली मेंबर बता रहे थे कि ये खाने के बाद ना मतलब बॉडी ना गर्म हो जाता है, ठंडे का ये खुराक है, ठंडे मौसम में ये बहुत मतलब चाव से खाया जाता है इधर राजस्थान में। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं। भाई अल्टीमेट, मतलब काफी बढ़िया लग रहा है। वैसे आटे का हलवा हमने बिहार में ही बनता है जिसको हम लोग लपसी कहते हैं, लेकिन ये जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है, पूरा घी वगैरह डाला गया है इसमें, घी डाला गया है, काजू वगैरह ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के बनाया गया। भाई काफी बढ़िया लग रहा है, काफी सॉफ्ट भी है ये। थैंक यू सो मच आंटी जी, फटाफट मतलब 15 मिनट के अंदर ये बना के उन्होंने दिया है। इस बार तो मुलाकात नहीं हो पाई लेकिन अगली बार जब भी आएंगे उदयपुर तो आपसे मुलाकात जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द। ऐसे साइड लोअर सीट है अपना, तो अभी क्या है कि बेडशीट वगैरह लगाते हैं और आपसे सोते हैं क्योंकि काफी लंबी जर्नी है, लगभग 43 घंटे का सफर है और एक ही पार्ट में आपको दिखाना है, तो सोते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह में। तब तक के लिए गुड नाइट। तो भाई हमने बेडशीट वगैरह बिछा लिया है, नीचे ब्लैंकेट, ऊपर एक बेडशीट, ये चादर और ये टॉवल भी मिल रहा है सही है, और पिल्लो वगैरह हमने यहाँ पे लगा दिया, दो पानी का बोतल है। चलिए अब सोते हैं। वैसे कर्टन्स वगैरह भी लगा हुआ ट्रेन में। तो भाई रात के बज रहे हैं 9:40, तो पहला दिन आपको वैसे ट्रेन जो है रात 9:20 यहाँ से निकलती है, तो मोस्टली जो पैसेंजर है वो डिनर वगैरह करके चलते हैं, लेकिन फिर भी आपको पहले दिन रात में आपको वेज बिरयानी आपको मिल जाएगा इस ट्रेन में। तो भाई डिनर करके ही आए थे और कल से पैंटी का खाना ट्राई करें और आपको बताएंगे इस ट्रेन का पैंटी का खाना कैसा है।
मॉर्निंग गाइस, दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है वडोदरा जंक्शन से, जिसका स्टेशन कोड है BRC, और यहाँ पर इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 10 मिनट डिले। वैसे वडोदरा में इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम था सुबह 7:35 और इस ट्रेन का ना वडोदरा चौथा हॉल्ट है और अभी तक हम लोगों ने लगभग 560 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और गुजरात का थर्ड लार्जेस्ट सिटी है वडोदरा और इसे हम लोग कल्चरल सिटी भी कहते हैं, साथ ही एजुकेशनल हब भी है। वैसे प्लेटफॉर्म यहाँ 6 है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना लगभग 340 ट्रेन आकर रुकती है। क्या घिसे पीटे शॉर्ट्स वीडियो देखता रहता है, ये लाइव का जमाना है मेरा भाई, अब ये देख इलू इलू ऐप। जैसे तू बिग बॉस जैसे रियलिटी शो एंजॉय करता है, वैसे ही मसालेदार लाइव कंटेंट तुझे इस ऐप पर मिलेगा। यहाँ तू लाखों लोगों के साथ लाइव वीडियो चैट पे गप्पे लड़ा सकता है, लव एंड रोमांस, कॉमेडी और स्टूडियो लाइव शो देख सकता है और लाइव गेम भी खेल सकता है। भाई देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में हमने इलू इलू लाइव स्ट्रीमिंग ऐप का लिंक दे रखा है, जाइए डाउनलोड कीजिए और लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद उठाइए। चाय, कॉफ़ी और सूप, ये तीनों चीज़ आपको इस ट्रेन में मिल जाएगा पैकेट वाला। सुबह के बज रहे हैं 8 और ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है। वैसे इस ट्रेन में आपको ब्रेकफास्ट में ब्रेड कटलेट, उपमा, पोहा, ये तीन चीज़ मिल जाएगा। ब्रेड कटलेट, उपमा, पोहा तीनों का प्राइस है 40 रुपीज़। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने लिया है उपमा, उपमा ट्राई करेंगे इस ट्रेन का। और साथ ही ब्रेकफास्ट पे कल अपने एक फैमिली मेंबर आए थे तो फ्रूट्स वगैरह लाए थे, वो भी आज ट्राई करेंगे। ये रहा सीताफल, गुआभा, एप्पल और इसके नीचे है उपमा, तो अभी ट्राई करेंगे। वैसे अभी सीताफल हमने ट्राई किया था, काफ़ी मीठा था ये। मैं उपमा की टेस्ट की बात करूँ तो भाई टेस्ट जो है सही है, खा सकते हैं, बिल्कुल गर्मा गर्म। चलिए फटाफट ये उपमा को निपटाते हैं। अब क्या है कि ब्रेकफास्ट पूरा अब ज़्यादा हो गया, फ्रूट्स वगैरह भी खा लिए, एक एप्पल खाए और एक सीताफल खाए और गुआवा एक खाए, ये भी हो गया ब्रेकफास्ट भाई। उसके अब ये ले लिए थे उपमा, तो सोचे चलो भाई इसको भी खाते हैं, धीरे धीरे निपटाते हैं इसको, लेकिन है ये सही, आप ट्राई कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग जो ट्रेन है वो सूरत रेलवे स्टेशन के आउटर पे रुकी हुई है आप कह सकते हैं, और अभी जो है अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल तेजस एक्सप्रेस ओवरटेक करने वाली है हम लोग की ट्रेन को, और एक ओवरटेक के बाद, इसी ओवरटेक के बाद आपको एक क्रॉसिंग भी मिलने वाला है, वो मुंबई अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस का। तो पहले ओवरटेक उसके बाद क्रॉसिंग देखिए। हाँ जी, तो लगभग 690 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का पांचवा हॉल्ट सूरत रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है ST, और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुंचे लगभग 5 मिनट डिले। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायमंड मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है सूरत, और यहाँ पे लगभग 5000 से भी अधिक डायमंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सूरत में, इसलिए सूरत को हम लोग डायमंड सिटी के नाम से भी जानते हैं। साथ ही टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बड़े पैमाने पे भाई टेक्सटाइल का कारोबार भी होता है।
वैसे हम सुबह में 6 बजे ही वाशरूम यूज कर लिए थे, लेकिन अभी क्या समस्या आ रहा है, बहुत सारे पैसेंजरों ने कंप्लेन किया है, क्या है ना कि इस ट्रेन में ना बायो टॉयलेट लगा हुआ है, तो बहुत लोग क्या करते हैं फ्लश नहीं करते हैं, इससे क्या होता है वाशरूम चौक हो जाता है, चौक होने के कारण कंप्लेन करना पड़ता है, पैसेंजरों को ट्वीट कर रहे हैं, कोई 139 पे कॉल कर रहा है, मेरे कोच से 4-4 कंप्लेन किया है। वो तो ये है कि भाई हम 6 बजे सुबह यूज कर लिया, हमको साफ सुथरा मिला, लेकिन इसमें गलती जो है ना पैसेंजर की भी होती है, पैसेंजर की ही गलती आप कह सकते हैं, क्योंकि वाशरूम यूज करते हैं और फ्लश नहीं करते, इसलिए जब भी आप वाशरूम यूज करें ना फ्लश जरूर करें। तो भाई आपको मिलवाते हैं अपने को पैसेंजर से, ये है दिव्यांश, और ये देखिए अभी क्ले उधर रखा हुआ है, तो क्ले से ये जो है ना अभी बना रहे हैं ये पद्मावती। तो भाई ये है माता पद्मावती, क्ले से बना हुआ है भाई, देखिए कलाकारी देख रहे हैं आप। हम लोग के समय जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त ये सब था कहाँ, क्ले वगैरह नहीं था, लेकिन देखिए वैसे रात में भी बनाया गया था लेकिन उस वक्त कैप्चर नहीं किए थे, काफ़ी बढ़िया है। इसके सपोर्ट के लिए ना पीछे में वो स्टिक दिया गया, ये स्टिक टूथपिक वाला जो स्टिक होता है ना ये दिया गया, सही है। तो भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 11:10 और अभी कुछ देर पहले पेंट्री के स्टाफ आए थे, वो खाने का मतलब लंच का ऑर्डर ले रहे थे, तो इस ट्रेन में आपको लंच में मिल जाएगा वेज थाली। एक बार ध्यान रखिएगा इस ट्रेन में सिर्फ आपको वेज ही मिलेगा, चाहे ब्रेकफास्ट हो चाहे डिनर हो चाहे लंच हो कुछ भी हो, इसमें नॉन वेज आपको नहीं मिलेगा, ओनली वेज मिलेगा। तो वेज थाली जो है इस ट्रेन में बेचा जा रहा है 130 की थाली, जिसमें एक्स्ट्रा सब्जी आपको मिलेगा। हमने बोला भैया 80 वाली थाली नहीं मिलेगी भैया, तो भैया बता रहे थे कि नहीं 80 वाली थाली नहीं है, 130 वाली थाली है, इसमें एक्स्ट्रा सब्जी आपको मिलेगा, आपको लेना है तो बताइए। हम बोले नहीं भैया हमको तो 80 वाली ही थाली चाहिए, रेलवे जो अलाउ करता है स्टैंडर्ड वेज मील 80 वाली वो चाहिए। तब जाकर उन्होंने मेरा ऑर्डर लिया है, बोले ठीक है आपको मिल जाएगा 80 वाली थाली, उसमें एक सब्जी कम रहेगा, बोले कोई दिक्कत नहीं कम रहेगा लेकिन जो अलाउ है वही आप दीजिए, वो 80 वाली थाली देंगे। और जैसे ही थाली आता फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्वालिटी कैसा है खाने का, स्ट्रेन का पेंट्री का। अब क्ले से बन के तैयार हो गया है गणेश भगवान, ये देखिए लड्डू खा रहे हैं, सही है। और इनसे तो आपको इंट्रोड्यूस करवा ही दिए थे, उनकी बहन क्या नाम इसका बताए थे, गौरी। ये देखिए देखो इधर ये किसने बनाया, किसने बनाया भैया की आपने तो काफी प्यारा लग रहा है, बोलो 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 के हाय, बोलो ये गणेशा मैंने बनाया है। अब ये लक्ष्मी जी बनके तैयार हो गई है, ये देखो ये लक्ष्मी जी है, तो पूरी जर्नी बस क्ले का ही गेम चल रहा है, क्या करे लंबा जर्नी है लंबा सफर है तो टाइम पास हो रहा है इसी में इन लोगों के साथ। और ये छोटी है इधर देखो, देखो तुम क्या बनाई, लॉलीपॉप दिखाओ दिखाओ इधर दिखाओ, कैसे खा के दिखाओ कैसे खाती है, करने से खा के दिखा यमी। सरमा रही है बेचारी, सही है। और अपना ये लंच वगैरह भी आ गया है तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, ये देखिए दो दो लॉलीपॉप बन गया इसका। तो भाई हमने अभी लंच को अनबॉक्स कर लिया है, और ये रही अपनी 80 वाली थाली, इसमें आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब्जी है, ये आलू, ये दाल है, ये दाल है, और ये क्या है आलू छोले की ये सब्जी है, ठीक है, इसमें छोला तो नज़र नहीं आ रहा सिर्फ आलू नज़र आ रहा है। और साथ में ये 3 रोटी दिया गया है, और ये दही दिया गया है, और पिकल दिया गया है, राइस है। ये है 80 की थाली, और ये मेरे को पैसेंजर हैं, और क्या नाम हुआ भाई, प्रियांश नाम है। और इनकी जो थाली आप देख रहे हैं ना ये 130 की थाली है, जिसमें ये एक्स्ट्रा पनीर की सब्जी दी गई है और दही भी नहीं दिया गया है, जो कि गलत, मतलब 120 की थाली दे रहे हैं 130 की दे रहे हैं, इसके साथ आपको दही देना चाहिए एक्स्ट्रा, एक पनीर का ये 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, साथ में ये दही भी नहीं दे रहे हैं। हम बोले तो हमको जाके दही मिला, ये नहीं बोले तो इनको दही नहीं मिला, लेकिन हाँ बिल ले लीजिएगा, ठीक है, पैसा नहीं दिया ना अभी, हाँ वो आएंगे तो बिल लीजिएगा 130 का, देखते हैं 130 का बिल इनको मिलता है कि नहीं मिलता है, और दही के बारे में ही पूछिएगा कि दही क्यों नहीं दिया गया, ठीक है। तो चलिए टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है।
तो भाई थाली को हमने अपने हाथ में रख लिया है और सबसे पहले हम लोग ट्राई करने वाले हैं आलू और छोले की सब्जी, जिसमें छोला नज़र ही नहीं आ रहा, एक दो पीस बस नज़र आ रहा है, आलू ही है ये। ये रोटी है, रोटी गर्म है और आलू छोले की सब्जी भी गर्म है। अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट जो है ना ठीक ठाक है, मतलब खाने लायक है, आप खा सकते हैं। अब दाल ट्राई करते हैं और दाल जो है ना बिल्कुल फ्राई किया गया है, ऊपर में ऑयल वगैरह दिख रहा है, लगता है ऑयल वगैरह ज़्यादा यूज़ किया गया इसमें। ये देखिए टमाटर वगैरह सब डाला गया है दाल में, धनिया का पत्ता टमाटर सब डाला हुआ है इसमें। दाल की टेस्ट की बात करूँ तो दाल भी सही है, बस यही थोड़ा कि ऑयली थोड़ा ज़्यादा है, इतना ऑयली मतलब ट्रेन में नहीं होना चाहिए, फिर भी कोई नहीं, इतनी सारी ट्रेन जर्नी की है। लेकिन कैंटी का जो खाना मिलता है ना वो ज़्यादा ऑयली नहीं होता है, स्पाइसी भी शायद किसी साउथ में अगर ट्रैवल किए थोड़ा बहुत स्पाइसी मिलता है, लेकिन इस ट्रेन में ना स्पाइसी नहीं है, ऑयली थोड़ा ज़्यादा। ऑयल देख लीजिए ऊपर में, ऑयल आपको दिख रहा होगा, लेकिन इतना है कि चल सकता है। ठीक है, राइस देखते हैं, राइस तो गरम है कि नहीं। वेज बिरयानी गरम खाना, तो ये अभी फिलहाल हम लोगों ने लिया ये राइस, राइस को दाल के साथ गरम खाना। ठीक है, राइस भी गरम है, तो चलिए फटाफट हम लोग ये थाली खाते हैं। और अभी भैया आए थे देने के लिए तो हमने बोला भाई साहब बिल इनका, तो बोले कि लास्ट तक मैसूर तक जा रहे हैं तो रात का डिनर भी ट्राई करेंगे, हो सकता है कल का ब्रेकफास्ट या लंच वगैरह भी ट्राई करेंगे, उसके बाद लास्ट में जो है ना एक ही बार मैसूर से पहले बिल लिया जाएगा। ये जो थाली है एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, 80 की थाली आती है स्टैंडर्ड वेज में, 120 से 130 की जो थाली आपको दी जाती है वो होती नहीं है। ठीक है, वो एक सब्जी के नाम पे आपको 40-50 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाता है, लेकिन लिया जाता तो उसका भी आप बिल लीजिए, और उसमें भी दही होना चाहिए, लेकिन दही इनको नहीं दिया गया है। चलिए कोई नहीं, हम लोग खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई पनीर कैसा लगा तुमको? पानी पानी टाइप है, तीखा नहीं है। तीखा नहीं है तुमको, मतलब तीखा खाना पसंद है, टेस्ट भी नहीं आ रहा है? ज्यादा तीखा नहीं, नॉर्मल टेस्ट से भी तीखा नहीं है। अच्छा अच्छा, पानी की तरह लग रहा है। तो भाई इनके पनीर की सब्जी में टेस्ट नहीं आ रहा, खैर ये तो ठीक है खाने लायक है, लेकिन ऑयल देख रहे हैं पूरा ऑयल है दाल में भाई साहब, और इधर भी देख लीजिए। कोई नहीं भाई, जो मिला वही खाओ। भाई 1090 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 7वां हॉल्ट पुणे जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PUNE, और यहां पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग ट्रेन यहां पहुंची है लगभग 40 मिनट डिले। वैसे प्लेटफॉर्म यहां 6 है और अभी फिलहाल यहां रोजाना 192 ट्रेन आकर रुकती है। पुणे रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र का वन ऑफ द मेजर रेलवे स्टेशन है, और पुणे को हम लोग जो ना एजुकेशनल हब भी कहते हैं इंडिया का, साथ ही ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब भी है पुणे। और पुणे रेलवे स्टेशन से पहले खाने का ऑर्डर ले लिया जाता है, मतलब रात के डिनर का ऑर्डर पेंट्री से ले लिया जाता है, तो हमने वेज थाली का ऑर्डर कर दिया। अब क्या है ना कि इस ट्रेन में सिर्फ वेज खाना ही मिलेगा, नॉन वेज नहीं मिलेगा, वेज थाली हमने ऑर्डर कर दिया है। और दूसरी बात, पुणे रेलवे स्टेशन से पहले आउटर पे बाहर के स्टाफ आकर खाने का ऑर्डर लेते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि भाई उनको ऑर्डर देना है या नहीं देना, क्योंकि उनको अगर आप ऑर्डर देते हैं तो वो आपको आधे घंटा के अंदर ही खाना दे देंगे, मतलब 5 बजे 4 बजे ऑर्डर लिया जाता है और आधा एक घंटा के अंदर आपको खाना दे दिया जाता है। आप सोचते हैं भाई पेंट्री के स्टाफ है, लेकिन पेंट्री के स्टाफ नहीं होते, वो बाहर के स्टाफ होते हैं, और ऑर्डर ले लिया जाता है 150 की थाली, और पुणे स्टेशन से आपको वही थाली दे दिया जाता है।
अगर आप उस वक्त मना कीजिएगा कि भैया हमको थाली अभी नहीं लेना, हम तो रात में 8 बजे खाएंगे, तो फिर भी ज़बरदस्ती आपको दिया जाएगा, बोला जाएगा कि आपने तो ऑर्डर किया था। तो ध्यान रखिएगा, जो पेंट्री के जो स्टाफ है ना, उन्हीं को खाने का ऑर्डर देना है। पेंट्री में अगर आप खाना ऑर्डर करते हैं तो 8:30 बजे के लगभग, 8 बजे के लगभग खाना मिलेगा। और बाहर के स्टाफ से अगर कीजिएगा ना, पुणे रेलवे स्टेशन से पहले आउटर पे 7-8 लोग चढ़ते हैं, उनको आप ऑर्डर कर दीजिएगा ये समझ के कि पेंट्री के स्टाफ है, तो फिर आपको आधा घंटा के अंदर ही खाना दे दिया जाएगा। तो भाई फिलहाल अभी यहाँ से हम लोग ले रहे हैं ये चार्ज, कितने का ये? 20 का ये वरना। पुणे रेलवे स्टेशन के आउटर पे जो खाने का ऑर्डर लिया जाता है, वो आपको ये फूड प्लाजा से पुणे रेलवे स्टेशन पे ही लेके आपको दे दिया जाएगा। देखिए अभी टाइम हो रहा है 5:25, मतलब अभी आपको रात दे दिया जाएगा खाना, तो डिनर आपको अभी ही करना होगा, मतलब 6 बजे तक डिनर कर लेना होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, खाने का ऑर्डर देख लीजिएगा, अगर वो करना है फूड प्लाजा से कर दीजिएगा, नहीं तो पेंट्री तो है ही भाई, गर्मा गर्म पेंट्री का खाना आप खा ही सकते हैं। भाई देखिए वड़ा पाव अभी खाने का मेरा मन नहीं था, लेकिन भैया बोले कि पुणे का खा के देखिए, तो अभी ले लिया यहाँ से। ये 30 का पड़ा मुझे, ये गर्मा गर्म वड़ा पाव और ये लहसुन की चटनी है। तो चलिए कोई नहीं, शाम का स्नैक्स यही हो जाएगा। वैसे तो इस ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन हम लोग ट्रेन यहाँ रुकी है लगभग 10 मिनट। अगर मैं वड़ा पाव की टेस्ट की बात करूँ ना भाई, बढ़िया है, बिल्कुल गर्मा गर्म था। स्टेशन के बाहर लिए थे, हम नहीं ले रहे थे, लेकिन भैया बोले कि भैया एक बार ट्राई करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा, पुणे का भी एक बार खा के देखिए। तो खाए यार, सही में बढ़िया। तो चलिए वड़ा पाव को खाते हैं और इसके साथ छाछ पीते हैं, देख रहे हैं, वड़ा पाव के साथ छाछ कॉम्बिनेशन। ये रहा अपना वरना का छाछ। तो अभी किले का बना है वीणा पुस्तक धारणी माता सरस्वती जी हैं, ये देखिए, वाओ, ये वीणा है एक हाथ में, पुस्तक है और एक हाथ में क्या, ये शंख है क्या, माला है, अच्छा माला है, एक हाथ में आशीर्वाद देती हुई और एक हाथ से आशीर्वाद दे रही है, मतलब चार हाथ है ना इसमें दिख रहा है। अभी टाइम हो रहा है रात के 8:40 और अपना पेंट्री से डिनर आ चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डिनर में क्या मिलेगा। ये भी 80 की थाली है, हो सकता है जैसे लंच हम लोग किए थे ना, तो लंच में आलू और चने की सब्जी दी गई थी, चना तो उसमें था ही नहीं। अभी देखते हैं अब सब्जी में चेंजिंग किया गया है कि वही सब्जी दिया गया है। थाली को हम लोगों ने कर दिया है अनबॉक्स और देखिए इसमें ये दाल मिला है, और लंच में जो दाल मिला था ना उसमें वो थोड़ा ज़्यादा ऑयली था, लेकिन इसमें उतना ऑयल नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये सेम सब्जी है आलू काबुली चना की, लंच जो मिला था उसमें काबुली चना नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इसमें सिर्फ काबुली चना नज़र आ रहा है, सही आलू भी है काबुली चना भी है, और ये भी ऑयली थोड़ा कम लग रहा है। डिनर राइस है बिल्कुल गर्मा गर्म, साथ ही ये अचार दिया गया है, और इसमें 3 रोटी है और दही हमने आपको दिखाई दिया। तो चलिए टेस्ट करते हैं, आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है। तो अभी हमने थाली ट्राई किया, अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो लंच में जो थाली दिया गया था ना और अभी जो डिनर में जो थाली दिया गया है, उसमें क्या है कि डिफरेंस सिर्फ यही है कि लंच में थोड़ा स्पाइसी था, ऑयली भी था, अभी क्या है दाल उतना ऑयली नहीं है, सही है, सब्जी भी ऑयली नहीं है, सही है, और नमक वही नॉर्मल है, स्पाइसी भी थोड़ा कम है, लंच में स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा था दाल सब्जी वगैरह, लेकिन अभी सही है। तो अगर मैं ओवरऑल टेस्ट की बात करूँ तो ठीक है, आप खा सकते हैं 80 की थाली, अब क्या ही चाहिए, इसमें दही भी मिल रहा है। वैसे मेरे को पैसेंजर हैं, आपने भी ट्राई किया थाली कैसा लगा आपको? सही था, चलिए ठीक है। दही इनको नहीं दिया गया, फिर हम दोबारा बोले तब जाके इनको भी दही दिया गया। तो भाई लगभग 1370 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट मिराज जंक्शन, और मिराज जंक्शन जो है ये आता है महाराष्ट्र में, और शायद मे भी पहली बार हम इस स्टेशन पे उतरे हैं और कवर कर रहे हैं।
शायद इससे पहले भी किए होंगे, हमको आइडिया नहीं, क्योंकि इतना सारा ट्रेन जर्नी हम कर लिया है ना कि ध्यान भी नहीं है। लगभग 220 से भी अधिक ट्रेन में हम जर्नी कर चुके हैं, तो आइडिया नहीं है कि हमने कभी दिखाया है कि नहीं दिखाया है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इससे पहले हमने आपको मिराज जंक्शन दिखाया है कि नहीं दिखाया। वैसे मिराज जंक्शन पे इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था रात के 11:35, हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है 11:10, मतलब 20 मिनट बिफोर पहुंच रहे हैं हम लोग मिराज जंक्शन। वैसे डिनर जो अभी हम लोग ने ट्राई किया ना, वो लंच से काफ़ी बेहतर था। लंच जो हम लोगों ने किया भाई, उसमें नमक तो था ही नहीं, नमक देना शायद भूल गए होंगे, जो भी है बहुत कम नमक था। अभी डिनर में एक्स्ट्रा नमक वगैरह दिया गया, तो डिनर ना काफ़ी बढ़िया था। और जब हम लंच कर रहे थे तो मेरे जो को पैसेंजर थे ना, अगल बगल के को पैसेंजर थे, उन्होंने देखा कि भाई इनको तो 80 की थाली मिल रही, साथ में दही भी मिल रहा है। तो उन्होंने ऑर्डर नहीं किया था 130 की थाली, सिर्फ एक जो एक बंदा था जिसको हमने आपको दिखाया वो ऑर्डर किया था, और बाकी के लोगों ने ऑर्डर नहीं किया था खाना। रात में डिनर का जो हमने ऑर्डर दिया तो 80 की थाली फिर से हमने दिया, तो अगल बगल के पैसेंजर ने देखा और वो भी 80 की थाली उन्होंने ऑर्डर किया। तो देखिए क्या मतलब, देखने के बाद लोगों को पता चलता है कि भाई 80 की भी थाली होती है, लोगों को बताया नहीं जाता है। ये किनका काम है बताना, जो स्टाफ जो पेंटिंग स्टाफ है जो खाना का ऑर्डर लेने आते हैं वो सिर्फ 130 की 120 की थाली बताते हैं, 80 की थाली क्यों नहीं बताई जा रही है भाई। रेलवे अलाउ करता है 80 की, वेज स्टैंडर्ड मील जो है वो अलाउ करता है। चलिए आप 120 की थाली दे रहे हैं कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा आप सब्जी दे रहे हैं, पनीर की दे रहे हैं, बात अलग है, लेकिन आप बताइए ना कि भैया 80 की भी थाली होती है। अब जिनके पास नहीं है पैसा, कम पैसा है, वो 80 की अब नहीं बताइएगा तो 80 की थाली कैसे लेगा कोई, सीधे आप बोलते हैं 130 की थाली, ऐसे में काम थोड़ी चलेगा। अब वैसे भी 130 की थाली होती नहीं, हाँ 120 की थाली आप एक्स्ट्रा पनीर की सब्जी देते हैं तो 40 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है, कोई नहीं 120 का आप बिल दीजिए और 120 की थाली आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप बताइए लोगों को कि 80 की भी थाली आती है, लेकिन आप बताते नहीं है। हम एक दो बार प्रेस किए तब जाके मुझे बताया गया कि हाँ भाई 80 की भी थाली है, आप बोली तो आपको दिया जाएगा। हमको जब दिया गया, जब लोग देखे तो बाकी लोगों ने, मेरे कोच के लोगों ने ऑर्डर किया और उनको भी 80 की थाली दी गई। फिर थाली तो मिल गया लेकिन फिर उसमें दही नहीं दिया गया। फिर हमने बोला भैया ये तो गलत कर रहे हो, हमको दही दे रहे हैं, उन लोगों को दही। तब फिर गए वो पैंट्री से और जितने भी पैसेंजर ने ऑर्डर किया था मेरे कोच में वेज थाली स्टैंडर्ड वेज मील, तो उनको फिर से दही दिया गया। तो ये सीन है क्या कि लोगों को पता नहीं है, बहुत लोगों को पता नहीं है, इस वजह से 120 की 130 की ऑर्डर लेते हैं, उनको पता नहीं कि 80 की भी थाली आती है तो वो बोलते नहीं है। अब जिनको पता है वो बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा जब भी आप ट्रेन जर्नी कीजिएगा 120 या 130 की थाली का ऑर्डर लिया जाता है तो उस वक्त आप बोलिए उनको कि भैया 80 वाली थाली मुझे दीजिए। 80 वाली थाली बोलेगी अगर नहीं है तो गलत बात है, अगर वो बोलेंगे नहीं है तो 139 पे कॉल कीजिए, नहीं तो ट्वीट कीजिए, बोले कि 130 की थाली बेची जा रही है, तो पेंट्री में जाइए, मैनेजर से बात कीजिए, जो भी है, लेकिन जाने का कोई जरूरत नहीं है, बैठे बैठे 139 पे कॉल करके बता दीजिए कंट्रोल रूम में कि भैया इस ट्रेन में जो है वेज मील जो है वो 130 की बेची जा रही है, 120 की या 150 की बेची जा रही है, जबकि स्टैंडर्ड वेज मील होता है 80 का। जब आप कंप्लेन कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपकी 80 की थाली आपके सामने आ जाएगी, साथ में दही भी आ जाएगा, कहीं भी जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हम बार बार वीडियो में क्यों दिखाते हैं, क्यों बताते हैं, ताकि जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं सबको पता चले भाई रेट क्या है। छुपाने से क्या होगा, आप ही लोग के लिए तो काम कर रहे हैं, आप लोग को नहीं बताएंगे सच्चाई, नहीं दिखाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, तो भाई अभी फिलहाल हम लोग जो ट्रेन है 80 के रेलवे स्टेशन पे रुकी हुई है, स्टेशन कोड ASK, और यहाँ पे इस ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, लेकिन क्या है ना कि अपनी ट्रेन लगभग 20 मिनट बिफोर चल रही है, इस वजह से यहाँ पे रुकी हुई है। तो यहाँ से देखते हैं कुछ ले लेते हैं, क्या मिल रहा है भैया? इडली वड़ा। इडली वड़ा कैसे प्लेट है? 40 का एक प्लेट देना। तो यहाँ से इडली वड़ा लेते हैं 40 का प्लेट। भाई पानी का बोतल हमने ले आया पैंट्री खुद से, क्या है कि नहीं लगभग आधे घंटे से ना कोई मतलब आए नहीं थे, इस वजह से जाके लेना पड़ा मुझे। तो ये दो रेल नीर और इडली वड़ा, ये रहा चटनी के साथ, और वड़ा पाव तो भाई ये पैंट्री का है, ये लिए हैं। वड़ा पाव जो है ना भाई, वड़ा सही है गर्म है, बिल्कुल गर्मा गर्म, लेकिन पाव जो है ना वो मुझे फ्रेश नहीं लग रहा है। वड़ा बिल्कुल गर्म, साथ ही ये हरी मिर्च दी गई है, मतलब इस जर्नी में दो बार हम लोगों ने वड़ा पाव ट्राई कर लिया है। पुणे में जो ट्राई किए थे वो काफ़ी बढ़िया था,
ये मतलब ठीक ठाक है लेकिन उतना भी बढ़िया नहीं जितना पुणे वाला। और इडली देखिए भाई साहब कितना बड़ा बड़ा इडली है, साइज देख रहे हैं ये देखिए, ये है इडली का साइज, अब आपको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से, ये देखिए ये 40 रुपए का है। चलिए अब ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। यार भाई अगर मैं टेस्ट की बात करूँ ना, सच बता रहे मतलब एक नंबर। अब जो वड़ा ट्राई करते हैं, ये रहा वड़ा, इसको हमने चटनी में डाल के, वड़ा भी काफ़ी बढ़िया है। अगर आप इस रूट से ट्रैवल करते हैं किसी भी ट्रेन से, अगर आपकी ट्रेन अर्की के रेलवे स्टेशन पे रुकती है भाई, वहाँ का इडली वड़ा मस्ट ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल बढ़िया, मज़ा आ गया। भाई सुबह का ब्रेकफास्ट तो हो गया भाई एक नंबर। भाई आज हम लोग का इस ट्रेन में तीसरा और आखिरी दिन है, तो लास्ट दिन, ये लास्ट बार के लिए से क्या बनाया भाई, ये दुर्गा माता बनाया। क्या क्या है बता दो इसमें, त्रिशूल, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये त्रिशूल है, गदा, यहाँ ये गदा, ये तलवार, और इधर ये शेर, यहाँ पे माता रानी आशीर्वाद दे रही है, इधर सही है, यहाँ पे शेर देखिए काफी बढ़िया बना। मेरा नाम दिव्यांश मेहता। क्या नाम है बताओ? दिव्यांश मेहता। पूरा इंट्रोडक्शन दो, क्या नाम है, कहाँ से हो, किस स्कूल में पढ़ते हो बताओ? मेरा नाम दिव्यांश मेहता। हाँ, और कहाँ से हो? मोहन कार्मेल इंग्लिश स्कूल में पढ़ता हूँ। मोहन कार्मेल इंग्लिश स्कूल में पढ़ता हूँ। बेंगलोर से, ओके। तो ये वीडियो अपने दोस्त को दिखाओगे ना? हाँ। चलो ठीक है, क्या क्या बनाया वो भी बता। अब टोटल मतलब कल मतलब परसों से क्या क्या बनाया हो भाई? ये मतलब टोटल 6। तो कुछ देर में अभी हम लोग बेंगलोर पहुंचने वाले हैं, और मतलब पैसेंजर जो है कुछ ही पैसेंजर बचे हुए हैं अपने कोच में, और बाकी के जो भी पैसेंजर होंगे वो बेंगलोर में डिबोर्ड कर जाएंगे। तो मेरे जो भी ये सभी को पैसेंजर हैं इनके साथ पूरी जर्नी हम लोगों ने तीन दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। वो उधर जो है कोना बैठी हुई है वो है गौरी, गौरी सही है, तेरा फोटो आ रहा है उसमें, ये रहा। बार बार फोन ज्यादा देखो देखो देखो, फोन में बिजी है वो, सही है। और वो तो सो गया लगता है, सोया हुआ। एक और है अपने फैमिली मेंबर, वो जो अभी सो रहे हैं ऊपर में, सही है। वो 1 बजे उठते हैं, 1 बजे चलिए ठीक है। हम भी बेंगलोर रहते हैं। आप भी बेंगलोर रहते हैं? ओ सही है, भैया आएगा अभी। अच्छा अच्छा, ओ खाना लंच खाना। तो अब देखिए अभी लंच का भी ऑर्डर लेने के लिए भाई साहब आ चुके हैं। तो अभी क्या है कि तीसरा दिन आपको इस ट्रेन में बिरयानी सिर्फ मिलेगा, वेज बिरयानी। तो अभी वेज बिरयानी का ऑर्डर हम लोग भी दे देते हैं इनको। तो आपको कैसा लगा जर्नी करके? बहुत अच्छा लगा। सही था? बहुत अच्छा, आपसे टाइम भी निकल गया और बहुत अच्छा लगा, और आपने जो प्यार दिया वो दूसरी बार नहीं मिलेगा कभी। और हमने जो आप लोगों को बताया कि थाली कितनी की आती है, ये सब चीज को आपको पहले पता था क्या? हमको कोई पता नहीं था। नहीं पता था, आपने बताया कि ये 80 रुपए मिलती है ना, ये मिलता है, दही भी मिलता है। हाँ। हमारे से 130 रुपए ले लिए, उसको कैंसिल करके 80 रुपए आपने दिलाए। चले सही है। तो देखिए मेरा तो यही रहता है कि मेरे जो को पैसेंजर जितने रेट में हमको खाना मिले उतने रेट में इन लोगों को भी मिले, वैसे ऑर्डर दे देते हैं। वेज भाई एक वेज बिरयानी कर दीजिएगा, ठीक है? आप लोग भी खाइए कुछ, क्या आप लोग तो उतर जाइएगा बैंगलोर, एक वेज बिरयानी इसके लिए। बैंगलोर से पहले आ जाएगा। चलो लगभग 120 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट KSR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SBC, और यहां पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुँच गया लगभग 10 मिनट बिफोर। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। उदयपुर सिटी मैसूर हम सफर एक्सप्रेस चलती है 16 थर्ड AC कोच के साथ, एक स्लीपर कोच और एक पेंट्री का कोच है। अगर मैं फेयर की बात करूं और आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं उदयपुर सिटी से मैसूर तक 3rd AC में, इसमें मैं ट्रैवल कर रहा था, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 2460 रुपया।
अगर आप स्लीपर क्लास में ट्रैवल करते हैं इस ट्रेन में, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा 940 रुपया। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमने जो आपको फेयर बताया है उसमें फूड वगैरह इंक्लूड नहीं है, इसके लिए आपको अलग से पे करना होगा। इस ट्रेन के बारे में मुझे बताया गया था और कि ये कि भाई ये जो ट्रेन है ना लगभग खाली ही जाती है, लेकिन भाई मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। उदयपुर सिटी से ही पूरी ट्रेन पैक आ रही थी, हाँ बेंगलोर आके ये जो ट्रेन है ना पूरी खाली हो गई है अभी फिलहाल। वैसे मैक्सिमम टाइम ये ट्रेन खाली ही जाती है, लेकिन अभी सीजन है ना, तो सीजन में क्या है कि मतलब पूरा जो है ना ट्रेन पैक ही जाता है। वैसे अभी तक का जर्नी एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा है। और बेंगलोर से पहले आपको तीसरे दिन का लंच का ऑर्डर ले लिया जाता है, जिसमें आपको वेज पुलाव मतलब वही वेज बिरयानी मिलेगा। वेज बिरयानी आ चुका है मेरे पास, अभी खाए नहीं है, बेंगलुरु के बाद खाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि इस ट्रेन का पैंट्री का वेज बिरयानी कैसा है। ओके छोटी भाई, भाई 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 ठीक है भाई, चलिए सबको ले लिए ये लोग, मतलब इनके साथ पूरी जर्नी तीन दिन तक थे साथ में, काफी अच्छा लगा। और ये लोग अभी जा रहे हैं बेंगलोर में ही, हम तो मैसूर तक जाएंगे। चलिए आप लोग से मिलकर काफी अच्छा लगा, ठीक है अच्छा लगा। इसी तरह प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। ओके तो भाई आप देख सकते हैं बेंगलोर के बाद अपने कोच का क्या हाल है, मतलब सब खाली है भाई, ये देखिए पूरा कोच खाली, इधर पिल्लू वगैरह रखा हुआ है, सब साफ सफाई होगा। ये रहा अपना सीट, अपना वेज बिरयानी यहाँ मतलब वेज पुलाव। चलिए अब खाते हैं, इसको बताते टेस्ट कैसा है। ये भी खाली हो गया, यहीं बैठ कर खाते हैं। भाई ये रहा अपना वेज पुलाव, जिसमें देखिए हरा मटर है, ओनियन दिख रहा है, ये क्या है भाई, अच्छा ये शिमला मिर्च वगैरह भी डाला गया है, सही है यार, ये पेंट्री का है भाई वेज पुलाव। वैसे अगर मैं टेस्ट की बात करूँ ना तो टेस्ट सही है। वैसे वेज पुलाव जो है हम लोग को दे दिया गया था बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से आधा घंटा पहले ही, तो उस वक्त बिल्कुल गर्म था, और भाई एक घंटा हो गया तो अभी थोड़ा ठंडा गया है, लेकिन टेस्ट बढ़िया है भाई। आप ट्राई कर सकते हैं इस ट्रेन का पेंट्री का वेज पुलाव। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन का वॉशरूम का कंडीशन दिखाता हूँ। देखिए वॉशरूम में जाने से पहले मिरर, बेसिन और डस्टबिन देखिए पूरा भरा हुआ है भाई, और इधर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है, इधर भी डस्टबिन है। और एक चीज देखिए यहाँ लिखा हुआ है रसीद आपका अधिकार है, यदि आपको रसीद नहीं मिलती है तो आपका भोजन निःशुल्क होगा, ठीक है, इसलिए हम बार बार बोलते हैं आपको। और यहाँ जो नंबर दिया रहता है ना कोच के बाहर में, वो ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग स्टाफ का होता है। अगर साफ सफाई से रिलेटेड कुछ भी हो प्रॉब्लम तो ट्वीट ना करें, कंप्लेंट ना करें 139 पे, पहले इस पे कॉल करें और उनको बताएं, तो वो प्रॉब्लम जो है पहले सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं होता है तब आगे कंप्लेन करें। चलिए मैं आपको वॉशरूम कंडीशन दिखाता हूँ। तो भाई अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं वॉशरूम के अंदर, और वॉशरूम कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, वॉशरूम का कंडीशन देखिए सामने में मिरर सही है, बेसिन की साफ सफाई भी सही है, पूरी जर्नी पानी आया है, ये सेविंग सॉकेट दिया गया है, लिक्विड सोप भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साफ सफाई भी ठीक ठाक है। प्रॉब्लम बस इतना सा था कि मतलब इस ट्रेन में हर कोच में वॉशरूम जो है वो बायो टॉयलेट है, ठीक है, लोग क्या करते हैं फ्लश नहीं दबाते हैं भाई साहब, इस वजह से कई बार वॉशरूम चौक हुआ है, फिर उसे ठीक किया गया है, फिर जाके चौक हो गया है। तो जब भी ट्रेन जर्नी करे ध्यान रखे वॉशरूम में, बायो टॉयलेट वाले वॉशरूम में क्या होता है कि फ्लश होता है, ठीक है, या वेस्टर्न स्टाइल में फ्लश होता है, जब तक फ्लश नहीं दबाइएगा तो फिर काम कैसे चलेगा। फ्लश नहीं करते हैं वॉशरूम यूज करके चले जाते हैं तो वो तो चौक तो होगा ही ना, इसलिए जब भी जर्नी करे ट्रेन में ध्यान रखे वॉशरूम में फ्लश जरूर करे अगर आप यूज करते हैं तो। ये रहा अपने इस ट्रेन का खाने का बिल, वेज मील हमने दो बार ट्राई किया था, एक बार लंच और एक बार डिनर, 80-80, 160 और वेज बिरयानी 80, 240 का ये बिल रहा। सो गाइस तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मैसूर रेलवे स्टेशन, और ट्रेन जो है हम लोग यहाँ पहुंचाई है लगभग 10 मिनट बिफोर। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा,
उदयपुर मैसूर पैलेस की हम सफर एक्सप्रेस कितनी पंक्चुअल है। पंक्चुअलिटी हमने आपको बताई दिया। और मैं बात करूँ साफ सफाई की, तो साफ सफाई कोचा कंडीशन बाथरूम कंडीशन एवरेज था। खाने पीने की अगर मैं बात करूँ तो इस ट्रेन का खाना ठीक ठाक है, आप खा सकते हैं। सिर्फ दूसरे दिन लंच जो हमने ट्राई किया था वो मुझे सही नहीं लगा। उसके बाद उपमा हमने ट्राई किया वो भी सही लगा, वड़ा पाव हमने ट्राई किया वो भी सही लगा, और हाँ वेज बिरयानी मतलब वेज पुलाव वगैरह ये भी इस ट्रेन का सही है, आप खा सकते हैं। प्राइस थोड़ा ओवर रहता है, लेकिन अगर आप बोलिएगा तो 80 की वेज मील आपको मिलेगी, नहीं बोलिएगा तो फिर 130 की थाली आपको दी जाएगी, इसलिए आपको बोलना पड़ेगा। तो भाई आपको कैसी लगी ये कंटेंट कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने इस ट्रेन में जर्नी किया है तो फिर आप मुझे ये बताइए कि हमने जो आपको जर्नी में दिखाया कितना सही था कितना गलत था। अगर आप इस ट्रेन में जर्नी नहीं किया, इन फ्यूचर अगर आप जर्नी कीजिएगा फिर भी आपको पता चल जाएगा कि मोनू भाई ने जितना दिखाया इस ट्रेन के बारे में वो कितना सही था। तो चलिए मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें मुस्कुराते रहें और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहें। सी यू सून, टिल देन पीस बाय, और हाँ प्यार करते हैं आप, लव यू।